ફરી એકવાર જી 24 કલાકના દમદાર અહેવાલ બાદ રેલવે અને એએમસી તંત્ર હરકતમાં આવ્યું છે। કોરોનાના દર્દીઓ માટે તૈયાર કરેલા આઇસોલેશન કોચ દૂર ખાઈ રહ્યાના જી 24 કલાકના અહેવાલ બાદ હવે રેલવે તંત્ર ફરી કામે લાગ્યું છે। આઇસોલેશન કોચની સાફ સફાઈ કરાવી ફરી તૈયાર કરવામાં આવ્યા છે, જેમાં રેલવેના 13 કોચ અને સાબરમતી 6 કોચ ચાંદોડિયામાં રાખવામાં આવ્યા છે, જેથી કુલ 19 આઇસોલેશન કોચની અંદર 306 કોરોનાના દર્દીઓની સારવાર થઈ શકશે। કોચની કામગીરી પૂર્ણ થયા બાદ આ કોચની જવાબદારી એએમસીને સોંપવામાં આવશે, જેથી મહાનગરપાલિકાની તબીબની ટીમ સહિતનો સ્ટાફ આઇસોલેશન કોચમાં દર્દીઓને સારવાર આપી શકશે, જેમાં ખાસ કરી સામાન્ય અસર ધરાવતા કોરોનાના દર્દીઓની આઇસોલેશન કોચમાં સારવાર કરવામાં આવશે। મહત્વનું છે કે ગત વર્ષે કોરોનાના દર્દીઓ માટે આઇસોલેશન કોચ તૈયાર કરવામાં આવ્યા, પરંતુ અમદાવાદમાં તમામ હોસ્પિટલો હાઉસફુલ હોવાની સ્થિતિમાં પણ આ કોચનો ઉપયોગ કરવામાં નહોતો આવ્યો। ત્યારે જી 24 કલાકે રિયાલિટી ચેક કરી આ આઇસોલેશન કોચ ધૂળ ખાઈ રહ્યા હોવાનો અહેવાલ દર્શાવ્યો, જેથી હવે આ કોચની સાફ સફાઈ કરી ફરી એકવાર દર્દીઓની સારવાર કરી શકાય તે માટે તેને તૈયાર કરવામાં આવી રહ્યા છે। कोरोना संक्रमण यदि व्यापक रूप से फैल गया तो उस समय की समस्याओं से निपटने के लिए हम लोगों ने मिनिस्ट्री ऑफ हेल्थ के सुझाव पर ये कोच तैयार किए थे। पहले से ही तैयार थे ये कोच, और अभी जब अहमदाबाद म्युनिसिपल कॉरपोरेशन ने हमसे हमको लिखा और बताया, पूछा उन्होंने और मांगा ये कोच, तो ये कुल हमारे पास 19 कोच हैं, जिसमें से 13 कोच हमने साबरमती में प्लेस किया है और 6 कोच हमने चांदलोडिया में प्लेस किया है। हर कोच में 16 पेशेंट को एकोमोडेट करने की गुंजाइश है। इस तरह से साबरमती में लगभग 208 पेशेंट एकोमोडेट हो सकते हैं और 96 पेशेंट चांदलोडिया में एकोमोडेट हो सकते हैं। हमने इस पूरे रैक को डिसइन्फेक्ट करके, अच्छे से साफ सफाई करके हम अहमदाबाद म्युनिसिपल कॉरपोरेशन को ये हैंडओवर करेंगे। उसके बाद का सारा मैनेजमेंट जो है वो मेडिकल हो, पैरामेडिकल हो, मेडिसिन हो, ये सारी जो जिम्मेदारी है वो अहमदाबाद म्युनिसिपल कॉरपोरेशन की रहेगी। पेशेंट को किस तरीके से, कैसे पेशेंट को जो आइसोलेशन की जिनको ज़रूरत है उनको, उन पेशेंट्स को यहाँ पर लाया जाएगा। हम पश्चिम रेलवे अहमदाबाद मंडल की तरफ से हम कैटरिंग की सारी व्यवस्था हम लोगों ने अपनी जिम्मेदारी समझी है और वो हम करेंगे। अहमदाबाद महानगर पालिका की मांग पर रेलवे द्वारा जो आइसोलेटेड कोच फरी थी साफ सूफ करीने तैयार करवामां आव्या छे, ज्यारे आप जोशो तो अहीं कूलर की व्यवस्था है, विशेष रूप थी जे छे ए राखवामां आवी छे। अहीं अलग अलग रेक में जे कूलर की व्यवस्था है, एटले जे दर्दीओ अहीं दाखल करवामां आवशे जेमने अहीं कोविड केर की जरूर है, तो ये तमाम दर्दियों माटे अहीं आप जोशो के व्यवस्था ना भाग रूपे, कारण के उनाळानो समय छे, 5 नंबर नो प्लेटफॉर्म साबरमती रेलवे स्टेशन नो त्यां आ रेक ने लगाववामां आव्या छे। हवे आ रेक जे छे ए संपूर्ण रीते साफ सूफ करीने, डिसइन्फेक्ट करीने तैयार करी देवामां आव्या छे, अने कूलर पण तेमां लगावी देवामां आव्या छे। दर्दीओने राखवानी तमाम प्रकारनी व्यवस्था छे, अने कोचनी ऊपरनी हूँ बात करूँ तो ऊपर रूफटॉपनी व्यवस्था करवामां आवी छे, तेना ऊपर पाणीनो छटकाव करवामां आवशे सतत, एटले जो गरमी होय तो थोड़ू दर्दीओने अंदर ठंडक थाय, अने कूलरनी व्यवस्था पण जे छे ए अहींया करवामां आवी छे। तो आ कोविड आइसोलेशन कोच जे छे ए तैयार छे, अने टूंक समयनी अंदर अमदावादना जे दर्दीओ छे तेमना माटे आ व्यवस्था जे छे ए शुरू करी देवामां आवशे। आखरे जी 24 कलाकना अहेवाल बाद अमदावाद महानगरपालिकानी टीम होय के रेलवे प्रशासननी टीम छे ए जागृत थई, अने हवे आ कोच जे छे ए दर्दीओनी सेवा माटे तैयार छे। कैमरा पर्सन अक्षर रावल साथे अमित राजपूत, जी मीडिया, अमदावाद।